हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये है वीडियो लेक्चर नंबर 10। इस वीडियो लेक्चर में मैं जो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वही कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट को डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को डिटेल में नहीं समझना था लेक्चर नंबर 9 में उन्होंने देख लिया उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो वो इस वीडियो लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 9 में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट है मशीनरी, और उसमें यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 140 माइनस और यहाँ पे 90,000 माइनस। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बैलेंस शीट में 140 माइनस में और 90,000 माइनस में कैसे आया है। ठीक है, और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है सेकेंड नंबर पे, ये कैसे एक्यूमुलेट हो जाता है मशीन के ऊपर, यानी जो मशीन हम बेच रहे हैं उसके ऊपर ये एक्यूमुलेटेड 40 कैसे आया होगा। ठीक है, चलिए तो उसी को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट ऐसे यहाँ पर बनाया जाता है और एक्यूमुलेट ऑप्शन यहाँ पर। चलिए तो जल्दी से हम इसको डिटेल में समझना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल रखा है जिसमें मैंने 3 ईयर्स इंक्लूड किए हैं। यहाँ पर 17, 18, 18, 19 और 19, 20 है। इसमें यहाँ पर मैंने लिखा है P1। P1 का मतलब परचेज वन, मशीन वन हमने खरीदी है 1 लाख रुपए की 1 अप्रैल 2017 को। फिर उसके बाद इस साल में हमने कुछ भी नहीं किया, 17, 18 में कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2018 को एक और मशीन खरीदी गई है P2 परचेज 2 लाख रुपीज़ की, और फिर इस ईयर में कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पर 19-20 में यहाँ पर सेल हुई है फर्स्ट मशीन S1 लिखा है, मतलब जो मशीन हमने ये वाली परचेज की थी 1 अप्रैल 2017 को, उसको हमने सेल कर दिया 70,000 का। कब? मिड में, यानी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 30th सितंबर, 30th सितंबर को, यानी 6 महीने बाद। मतलब 6 महीने क्या, इस ईयर के स्टार्टिंग में, सितंबर सितंबर 30 को हमने इस मशीन को सेल कर दिया। सितंबर 30, 2019 को इस मशीन को सेल कर दिया। ठीक है, चलिए, और उसी डेट पर एक मशीन खरीद लिया परचेज 3। ठीक है, 3 लाख रुपीज़ की। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हमें करना है। तो यहाँ पर ये हालांकि 11th क्लास का ही क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम इसको करेंगे क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे डेट है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर रुपीस, फिर डेट, पर्टिकुलर, रुपीस। ठीक है, और नीचे एक फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया है। ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट है ये, तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ पे इसका नाम हम रख लेते हैं या तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेट का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर रुपीस, फिर डेट, पर्टिकुलर, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर और रुपीस। ठीक है, चलिए, तो 2 फॉर्मेट यहाँ पे हमने बना लिए। अब जल्दी जल्दी से इसको करना है हमें। सबसे पहले क्या है, मशीन परचेज की गई है, मशीन परचेज की गई है 1 अप्रैल 2017। यहाँ पे इस डेट की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। 1 अप्रैल मशीन परचेज की गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक। हाँ जी, कितना अमाउंट है, 1 लाख का अमाउंट है, 1 लाख की मशीन परचेज की गई है। इस पूरे साल में कुछ भी नहीं किया गया, तो हम सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, एंड पर। एंड पर पहुंचने के बाद हमें क्या करना है, 2018 31st मार्च, बताइए एंड पर क्या करते थे, एंड पर लगता है डेप्रिसिएशन। तो हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लिखना, वो डेप्रिसिएशन जो हम यहाँ पर लिखते थे
वो एक दूसरे अकाउंट में लिखना है जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पे हम लिखना है बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट, ठीक है। और ये डेट क्या है, 2018 31 मार्च, उस अकाउंट से हमने ट्रांसफ़र कर दिया। किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे डेप्रिशिएशन हमें कितना चार्ज करना था वहाँ पे 10,000, 10% रेट है आप देख सकते हैं, और मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 10,000, 1 लाख का 10% 10,000 यहाँ पे लिखते हैं, तो वो डेप्रिशिएशन हमें यहाँ पर लिखना है इस मेथड में, ठीक है। तो हमने कितना रखा, 10,000, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर हमारा ये कंप्लीट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर बाई बैलेंस सीडी हमें क्या करना है, यहां पर 1 लाख, 1 लाख हमने इस ईयर को क्लोज कर दिया क्योंकि ये साल यहां पे बंद हो रहा है, एक साल कंप्लीट हो गया, इस ईयर को हम क्लोज कर रहे हैं। तो यहां पर बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 1 लाख। और इसी तरीके से इस अकाउंट को भी हमें बंद कर देना है क्योंकि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया और इस ईयर को आपको क्लोज कर देना है 10,000। टू बैलेंस सीडी 10,000, तो इसमें भी बैलेंस कितना आ गया, 10,000। और ये आ गया हमारा, यहाँ पे डेट आएगी 2018 31 मार्च, राइट। चलिए अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये किस तरीके से अपीयर होगा, फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से अपीयर होगा। ये आपकी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 की, तो मैं बैलेंस शीट में दिखा रहा हूँ आपको कैसे इसको दिखाया जाता है। आप यहाँ पर दिखाएंगे मशीनरी, मशीनरी का बैलेंस कितना है, मशीनरी का बैलेंस है 1 लाख रुपये। तो आप उसको कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर इनर कॉलम में 1 लाख रुपीस। और ये जो आपका 10,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, या तो यहाँ पर दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000, या फिर अगर आप यहाँ नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसका दूसरा तरीका है, आप यहाँ से माइनस कर दीजिए और यहाँ पे लिख दे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना, 10,000। तो यहाँ पे कितना दिखा दीजिए, 90,000। इसको पढ़ने का तरीका क्या रहता है, मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख है और जो उस पर अब तक डेप्रिसिएशन एक साल के अंदर लग चुका है वो कितना है, एक्यूमुलेट हो चुका है 10,000। तो उसकी जो बुक वैल्यू है, नेट बुक वैल्यू, उसको हम कौन सी बुक वैल्यू बोलेंगे, नेट बुक वैल्यू, वो कितनी बची है, वो बची है 90,000, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आप क्या करेंगे, बैलेंस को आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 1 लाख 2018, यहाँ पर 1 अप्रैल को क्या करेंगे आप, टू बैलेंस पीडी। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखेंगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 18-19 में, इस ईयर में आप चेक करिए, एक मशीन हमने और खरीदी है 1 अप्रैल 2019 को, टू बैंक, ये कौन सी मशीन है, सेकंड मशीन, और ऊपर वाली कौन सी थी, फर्स्ट मशीन, 2 लाख की हमने यहाँ पे मशीन परचेज कर ली है। फिर उसके बाद इस साल में कुछ भी नहीं हुआ, सीधा एंड पर आ जाएंगे और एंड पर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो मुझे ध्यान से बताइएगा, डेप्रिसिएशन हमें मशीनरी अकाउंट में लगाना है या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, यहाँ पर। तो जैसे हमने उसको बैलेंस आपने नेक्स्ट ईयर में कॉपी किया था, इसी तरह से यहाँ पर आप यहाँ पर लिख दीजिए बाई बैलेंस बी डी 10,000, ये है 2018 फर्स्ट अप्रैल, और उसके बाद 2019 31 मार्च को जो डेप्रिसिएशन मेरा फिक्सड में लगना था वो यहाँ पे चार्ज किया जाएगा बाई डेप्रिसिएशन।
मुझे बताएंगे ध्यान से, यहाँ पर 10,000 पुरानी वाली मशीन यानी फर्स्ट मशीन का है, और न्यू मशीन का कितना हुआ? न्यू मशीन का हुआ 20,000, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में है तो पूरे साल वो यूज़ हुई है। तो टोटल डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट मशीन का कितना है 10,000, सेकेंड मशीन का है 20,000, तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन कितना हुआ 30,000। तो इस तरीके से यहाँ पे इस साल को हम क्लोज कर देंगे, ये सेकेंड ईयर हमारा क्लोज हो जाएगा। हमारे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया? 40,000, ठीक है। टू बैलेंस सीडी ये आएगा 2019, 2019 31 मार्च, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका बैलेंस कंप्यूट कर लेंगे बाई बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा? 3 लाख, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो थर्ड ईयर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसी में हमें सारा काम करना है, सेल परचेज इसमें होने वाली है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ईयर है जो थर्ड ईयर अब बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कॉपी कर लेंगे पहले, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस लेकर जाएंगे। टू बैलेंस बीडी 3 लाख ओपनिंग बैलेंस आ गया, और ये है 1 अप्रैल। आप मुझे बताइए ध्यान से, थर्ड ईयर में हुआ क्या है? थर्ड ईयर में हमने जो मशीन परचेज की है वो 30 सितंबर को ही परचेज की और 30 सितंबर को ही सेल की है। चलिए, तो आप यहाँ पर 30 सितंबर टू बैंक, हाँ जी, 3 लाख की मशीन यहाँ पे परचेज हुई है, और 30 सितंबर को ही 2019 में 30 सितंबर को ही मशीन बेची गई है। कौन सी मशीन बेची गई है? फर्स्ट मशीन बेची गई है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जरा, बाई बैंक, जो मशीन सेल हुई है हम क्या लिखेंगे? बाई बैंक, हाँ जी। कितने में सेल हुई है? क्वेश्चन ने बताया है, क्वेश्चन ने बताया है 70,000 में मशीन को सेल किया गया है, तो सेल प्राइस हमने यहाँ पे लिख लिया 70,000। उसके बाद हमें देखना है इस मशीन पर फायदा हुआ या लॉस हुआ, आइए देख लेते हैं। पहले मुझे देखना पड़ेगा ये मशीन आज की डेट पर कितने की बुक वैल्यू रखती है, यानी कितनी बुक वैल्यू उसकी बची है आज की डेट पर। आप मुझे बताएं ध्यान से, फर्स्ट फर्स्ट वाली मशीन की भी बात कर रहे हैं हम। फर्स्ट वाली मशीन फर्स्ट ईयर में 10,000 डेप्रिशिएट हो गई, यहाँ पे 10,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो यहाँ पे कितनी बची? 90,000। उसके बाद यहाँ पे कितनी डेप्रिशिएट हो गई? यहाँ पे फिर से 10,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो कितनी बची यहाँ पे? 80,000। 80,000 किस डेट पर बची है? 1 अप्रैल 2019 पर, ठीक है। और फिर यहाँ पे 6 महीने और डेप्रिशिएट हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर और डेप्रिशिएट हुई, वो कितनी हुई? 5,000, ठीक है। कितनी हो गई? 5,000। इसको हाईलाइट कर देता हूँ, डेप्रिशन एक हमारा यहाँ पे लगा, एक हमारा सेकेंड ईयर में, और आधा डेप्रिशन आधे साल का कहाँ लगा? थर्ड ईयर में। तो इस तरीके से 25,000, ध्यान से सुनिएगा, 25,000 इस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है। ये ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी थी? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज की। 25,000 इस पर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड है, इसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। जो मशीन हम बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया है? 25,000 रुपये, ये होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये इस डेट पर 30 सितंबर को कितनी नेट बुक वैल्यू की मशीन है? इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख में से 25,000 माइनस होने के बाद ये कितने की बची है? 75,000 की। 75,000 की मशीन को आपने 70,000 रुपये में सेल कर दिया, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? बाई लॉस ऑन सेल, ये आप लिख सकते हैं P&L, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस ऑन सेल, ठीक है। ठीक है, कितना हुआ लॉस? 5,000 का।
और आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और इस अकाउंट से, किस अकाउंट से, एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से सारा डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट मशीन का है, जितना जब से वो खरीदी थी अब तक जितना भी इसमें इकट्ठा हुआ, सारा का सारा उठा के कहाँ ट्रांसफर करना है, इस अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। चलिए पहले तो हम इसके बैलेंस कॉपी कर लेते हैं। 2019 में बाई बैलेंस बीडी, इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना है 2019 में, 40,000। और यहां पर 30 सितंबर, आप मुझे बताएं कि 30 सितंबर पर जो मशीन हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, 6 महीने का। जो मशीन हम बेच रहे हैं तो 6 महीने तो वो यूज हुई है, तो डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए। तो यहां लगेगा या दूसरे अकाउंट में? इस अकाउंट में। तो हम यहाँ लगाएंगे यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन कितना, 5,000, क्योंकि 1 लाख की है, 1 लाख का पूरे साल का 10%, 10,000, और आधे साल का कितना हो गया, 5,000। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस अकाउंट से 30 सितंबर को जब मशीन फर्स्ट वाली हम बेच रहे हैं, तो उस अकाउंट से सारा पैसा, सारा सॉरी सारा डेप्रिसिएशन जो हमने इसमें डाला फर्स्ट मशीन के रिस्पेक्ट में, वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, डेबिट में मशीनरी अकाउंट कर देंगे। इस अकाउंट में डेबिट कैसे ट्रांसफर कर रहे थे, क्रेडिट साइड पर, अब जब उससे निकालना है तो हम डेबिट कर देंगे। और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, और आपका जो फिक्स एड कोई और होगा तो वो आप लिखेंगे, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट मशीन का कितना है। यहाँ पर आपको इजीली पता लग जाएगा फर्स्ट मशीन का, देखिए पहला तो ये फर्स्ट मशीन का ही है 10,000, फिर ये 10,000, 20,000, और यहाँ पर 5,000, 25,000 इसमें जा चुका है फर्स्ट मशीन का। वो सारा का सारा आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, एसेट अकाउंट में। ठीक है, यहां पर 25,000। सर क्यों ट्रांसफर करना है, तभी हमारा करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आएगा, जब एक्चुअल डेप्रिसिएशन यहां पे ट्रांसफर होगा तभी हमारा प्रॉफिट और लॉस ठीक आएगा। तो इसलिए हमें वहां से हटा के सारा का सारा डेप्रिसिएशन जो मशीन सेल कर रहे हैं यहां पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाकी मशीनों के बारे में। आप मुझे बताइए फिर, यहां 2020 31 मार्च को क्या हम यहां पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे? हाँ लगाएंगे, लेकिन इस अकाउंट में नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इस अकाउंट में 2020 को बाई डेप्रिसिएशन। 2020 को हम क्या लिखेंगे यहां पे, बाई डेप्रिसिएशन, और रिमेनिंग मशीनों को, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। मुझे बताइए सेकेंड मशीन पर तो आ जाएगा 20,000, क्योंकि 2 लाख का 10%, 20,000। और जो थर्ड मशीन है, थर्ड मशीन पर 15,000 रहेगा, क्योंकि 3 लाख की मशीन है और 6 महीने वो यूज हुई है। चेक कर सकते हैं हम, 3 लाख की मशीन जो कि 30 सितंबर को खरीदी गई है, तो वो 6 महीने यूज हुई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 और 15, ये क्या आ गया, 35,000। राइट, चलिए उसके बाद इसको आप बैलेंस कर लीजिए यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी। तो यहां पे बैलेंस सी फिगर क्या आएगा, फोर्टी फाइव, 35, 80, 80 माइनस 25, ये आएगा 55, 55,000। और ये है 2020 31 मार्च। ठीक है, तो ये बैलेंस फिगर से हमने निकाला 55,000 रुपये। और आप यहाँ पे इसी तरीके से इसका बैलेंस कंप्यूट कर लीजिए बाई बैलेंस सीडी। हाँ जी जल्दी से आप देख लीजिए बैलेंस कितना आ जाएगा, 2 लाख और 3 लाख, ये आएगा 5 लाख। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 6 लाख। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता,
अगर इस मशीन की सेल पर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे लिख दिया जाता प्रॉफिट ऑन सेल, तो वो यहाँ पे नहीं है, अगर होता तो यहाँ पर आ जाता, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए आपसे मैं ही पूछना चाहता हूँ, ये जो अकाउंट है, ठीक है, चलिए एक छोटी सी बात और पूछ लेता हूँ, अगर हमें थर्ड ईयर की बैलेंस शीट बनानी है, थर्ड ईयर की बैलेंस शीट में किस तरीके से अपियर होगा? ये मैं थर्ड ईयर की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, थर्ड ईयर हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, 2020 31 मार्च, बैलेंस शीट में कैसे अपियर होगा 31 मार्च 2020? हाँ जी, यहां पे लिखेंगे मशीन, मशीन की वैल्यू आप देखेंगे कितनी है एंड पर, 5 लाख, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मशीन की वैल्यू है 5 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, क्लोजिंग बैलेंस 55,000, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड लाइबिलिटी साइड की आइटम होती है, इसको हम एसेट पर लिख देते हैं अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो ये आ जाएगा 4,45,000। ठीक है, तो आपके जो बुक में दिया होता है वो इस तरीके से दिया होता है, वहां पर 2 सालों का डेटा होता है, तो फिर इसी तरह नेक्स्ट ईयर का डेटा होता है। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये देखना है, मैं आपको बस एक अकाउंट देखने के बारे में बोल रहा हूँ कि आपको कौन सा देखना है, बस थर्ड ईयर देखना है। आप मुझे देखकर जरा बताइए, जो हमने समझा था आपके एग्जाम में, सिर्फ इतना हमें बनाना पड़ता है, हमें सिर्फ एग्जाम के लिए इतना प्रिपेयर करना होता है, जो थर्ड ईयर है सिर्फ उतना, ये वाला पोर्शन, और इसका भी थर्ड ईयर आपको लेना है ये वाला पोर्शन। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर लेना, यहाँ पे ये वाला आप जल्दी से आप देख लीजिए, जो हमने लेक्चर नंबर आप चेक करिए, यहाँ पे बैलेंस बीडी था, परचेज था, प्रॉफिट था, इधर सेल एक्यूमुलेटेड और लॉस और फिर सीडी, आप देख लीजिए वही है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना है, 3 लाख ओपनिंग, फिर उसके बाद बैंक खरीदा है, फिर प्रॉफिट होता है तो इधर, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, सेल, फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि हमने वहाँ भी लिखा था, और लॉस ऑन सेल, और ये। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैंने आपको बोला था, बस हमने क्या करा था, यहाँ पे ये जो 2 बार डेप्रिसिएशन आ रहा है, क्योंकि एक बार मशीन की सेल पर और एक बार ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन लगा है वो, तो इन दोनों को हम इकट्ठे लिख देते हैं, कितना 40,000, बस और कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, इधर मशीनरी का वो वाला डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो जुड़ चुका है, जिस मशीन को सेल कर रहे हैं उस पर एक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक है वो, और इधर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप चेक कर लीजिए, इधर डेप्रिसिएशन है, इधर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, इधर जो एक्यूमुलेट हो चुका है वो डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद तो ये जो पोस्टिंग है वो आपको इजीली समझ आ गई है, वो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा दी थी, बस मुझे यही समझाना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए, बाय बाय।